jako unika. La 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 la. सैलाब की मार डूबा बिहार, नेपाल में बारिश कहर बनकर टूटी है, नदियां उफान पर है और डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। सैलाब का पानी बस्तियों में घुस गया है और जिंदगी त्राही त्राही कर रही है। नेपाल में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता अभी बताए जा रहे हैं। हालात ये है कि नेपाल से सैलाब अब बिहार भी आ रहा है और बिहार के बस्ती में भी यहां पर हालात कुछ इस तरह के हैं कि यहां पर घर डूबने लगे हैं। आपको ये बताएं कि हालात जिस तरह के इस वक्त बने हुए हैं, उसी से जुड़ी एक अहम जानकारी सामने आ रही है। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से तबाही, बाढ़ बारिश से अभी तक 170 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। नेपाल के 56 ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। काठमांडू में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है ये अहम जानकारी। और आपको ये बताएं कि देखिए, नेपाल के ऐसे 56 जिले इस वक्त बताए जा रहे हैं जहां पर तबाही के निशान नजर आ रहे हैं और अभी भी यहां हालात जिस तरह के बने हुए हैं उसको देखते हुए जो मौसम का मिजाज है, यहां पर एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। काठमांडू की खास तौर पर बात करें, बारिश ने 54 साल का यहां पर रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 56 ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है। अभी तक बाढ़ बारिश की वजह से 170 लोगों की मौत की खबर है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से जगह जगह तबाही के निशान और कई जगहों पर अभी भी लोग बड़ी संख्या में फंसे हुए हैं, जिन्हें कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उनका रेस्क्यू किया जाए, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। जो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को लगातार शिफ्ट किया जा रहा है और कोशिश यही है कि सुरक्षित इन लोगों को रेस्क्यू कर लिया जाए। हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी किए गए हैं अलग अलग जिलों के लिए, अलग अलग इलाकों के लिए जो इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। दुखद ये है कि अभी इन हालातों में बाढ़ बारिश की वजह से 170 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा हालात काठमांडू में खराब नजर आ रहे हैं। नेपाल में बाढ़ बारिश की वजह से तबाही दिख रही है, जगह जगह लैंडस्लाइड की खबरें हैं। आपको कुछ ग्राफिक्स दिखाते हैं, हालात किस तरह के आप समझ पाएंगे। यहां पर जो अभी तक आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक अभी तक जो मौत का आंकड़ा है 170 है। नेपाल में बाढ़ भूस्खलन से तबाही, जो लापता लोग बताए जा रहे हैं उनकी संख्या 50 बताई जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है, जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है लगातार। और सबसे ज्यादा काठमांडू इस वक्त प्रभावित है, जहां पर कई इलाके पूरी तरह से तबाही की जद में आ चुके हैं। सैलाब की मार डूबा बिहार, नेपाल में बारिश कहर बनकर टूट रही है, नदियां इस वक्त उफान पर है, डैम की बात करें ओवरफ्लो हो रहे हैं, सैलाब का पानी बस्तियों में घुस गया है और जिंदगी त्राही त्राही कर रही है। नेपाल में अब तक 170 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि 40 से ज्यादा लोग लापता है। हालात इस तरह के हैं कि नेपाल से सैलाब अब बिहार भी आ रहा है और बिहार की अगर हम बात करें तो यहां बस्तियां डूबने लगी हैं। नेपाल से लगातार पानी आने से बिहार की नदियां उफान पर है, सूबे के कई जिलों में सैलाब कहर बनकर टूट रहा है, कई गांव में पानी भर गया है जिससे लाखों की आबादी प्रभावित हो रही है। बिहार की 13 नदियों का जलस्तर लाल निशान को पार कर चुका है। इन दिनों में जो गंगा नदी शांत होती थी वो फिर से उफान पर है, कई स्थानों पर जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच चुका है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तटबंध टूटने का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको ये भी समझने की जरूरत है कि किस तरह से यहाँ बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। आप स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स देख रहे हैं, 20 जिलों में बाढ़ का खतरा, 8 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, 16 लाख से ज्यादा आबादी पर असर पड़ रहा है, एनडीआरएफ की तैनाती की गई है, सैकड़ों गांव खाली कराए जा चुके हैं। इस तरह के हालात हैं यहां पर बिहार के अंदर कई इलाकों में, 20 ऐसे जिले जहां पर बाढ़ का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 8 ऐसी नदी जो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जलस्तर और अभी भी बढ़ रहा है लगातार। और इन हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ की तैनाती यहां पर करनी पड़ी है, अभी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लोगों को अवेयर किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। आपको ये बताएं कि अभी सैलाब आ रहा है और बिहार को डरा रहा है। अब हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, इन तस्वीरों के जरिए बिहार में बाढ़ की स्थिति को आप समझ पाएंगे कि क्या हालात है। बुजुर्ग, नौजवान, महिला, मवेशी सब सैलाब पर, सैलाब का खतरा मंडरा रहा है।
नेपाल में बारिश ने 54 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, तो उसका नतीजा यह है कि बिहार तक बाढ़ के हालात इस वक्त बन गए हैं। सबसे ज्यादा खतरा नेपाल से सटे बिहार के जिलों में है। आपको बताते हैं कौन कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, और साथ साथ हम आपको ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आप जरा सुपौल की तस्वीर देखिए, मुजफ्फरपुर की तस्वीर देखिए, कुशीनगर है, मधुबनी है, दरभंगा है, अररिया है, सहरसा है, वेस्ट चंपारण है। इन आठों तस्वीरों से आप देखिए कि बिहार में किस तरह से नेपाल के हालात का इम्पैक्ट पड़ रहा है, और अभी कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। अब आपको ये समझने की जरूरत है कि बिहार के वो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सबसे पहला नाम आता है पूर्वी चंपारण का, पश्चिमी चंपारण है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, सुपौल है, अररिया है, किशनगंज है। नेपाल से बिहार के रास्ते भारत की ओर आने वाली नदियां इस वक्त तूफान पर है। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें यहां पर तैनात की गई है। प्रशासन ने सैकड़ों गांवों को यहां पर खाली कराया है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नेपाल से सटे बिहार के वो जिले जिन पर काफी ज्यादा इस वक्त इंपैक्ट पड़ रहा है नेपाल के हालात का। नेपाल में जिस तरह से बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से लोग इस वक्त यहां सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, तो बिहार में हालात किस तरह के वो हम आपको बता रहे हैं। अभी यहां पर बताएं कि प्रशासन ने सैकड़ों गांवों को अभी तक खाली करा लिया है, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। अब आपको ये भी समझने की जरूरत है बिहार से आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। कोसी है, गंडक नदी है, बूढ़ी गंडक है, कमला बलान है, ये हम आपको वो नदियां बता रहे हैं जो नेपाल से आने वाली है। इसके अलावा महानंदा है, बागमती है। नेपाल में भारी बारिश के बाद चूंकि डैम इस वक्त ओवरफ्लो हो गए हैं, लिहाजा नेपाल से आने वाली नदियों में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बिहार के लोगों की मुसीबत इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार बैराज से पानी छोड़ा जा रहा है, और इसी वजह से यहाँ जो बिहार के कई इलाके हैं इन नदियों के आसपास वाले वो जलमग्न हो रहे हैं। यहाँ से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है जल्द से जल्द। समझने की जरूरत है किस बैराज से अभी तक कितना पानी छोड़ा गया है। वाल्मीकि नगर गंडक बैराज की बात करें, 29 सितंबर को 5.29 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। कोसी बीरपुर बैराज की बात करें, 29 सितंबर को 6.61 लाख क्यूसेक पानी यहाँ पर छोड़ा गया है। तो हम आपको बता रहे हैं इन दोनों ही बैराज के बारे में कितना पानी यहाँ पर छोड़ा गया है, और इसी वजह से ये जो नदियां हैं इनका जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अभी हालात और ज्यादा टेंशन वाले हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी नेपाल के कई ऐसे जिले जहां पर बाढ़, बारिश का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, और इसी वजह से जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं बिहार के, वहां पर भी अगर देखा जाए तो हालात जो बने हुए हैं उसको देखते हुए बिहार के लोगों को अलर्ट लगातार यहां पर बिहार के लोगों के लिए जारी किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त आप बिहार में बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे से जुड़ रहे हैं सर्वेश, उनका रुख करते हैं सीधा। सर्वेश, अभी की स्थिति वहां पर किस तरह की, क्योंकि बिहार के कई ऐसे जिले हैं अगर देखा जाए जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं, लोग वहां से शिफ्ट कर रहे हैं, जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं वहां के हालात किस तरह के, तस्वीरें भी दिखाइएगा और अपडेट भी आप दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरें हैं इस वक्त हम नाव पे बैठे हुए हैं और नाव पे सवार हैं, और एक ये जो परसा माधो पंचायत है वहाँ का इलाका है सुपौल का, और देखिए किस तरीके से चारों तरफ जलमग्न है। तो तमाम जो मकान हैं, पक्के मकान हो, कच्चे मकान हो, तमाम ऐसे जो मकान हैं वो लोगों के डूब चुके हैं, और लोग अभी भी इस जद्दोजहद से गुजर रहे हैं कि किस कैसे भी करके अपने जीवन को बचाया जाए। हालांकि अभी भी लोग इस कोसी के पेट से बाहर नहीं निकले हैं, जो कि तटीय इलाका है, वहाँ पे पानी किस तरीके से भरा है, देखिए किस तरीके की तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। तमाम जो यहाँ पे जो लोगों के मकान हैं वो डूब चुके हैं। हम इस वक्त एक नाव पे सवार हैं, और इस नाव के जरिए जो यहाँ फंसे हुए लोग हैं, करीब 4 दिन से कई लोग यहाँ फंसे हुए थे, उनको निकालने की एक तरह से कवायद चल रही है, और यहाँ पे बारी बारी से लोगों को निकाला जा रहा है। हमारे सहयोगी जो हैं वो देखिए किस तरीके से थाली से पानी निकाल कर नाव से और वो बाहर फेंक रहे हैं ताकि नाव डूबे नहीं। जिस नाव में हम सवार हैं वहाँ पे उस नाव की ये स्थिति है। यहाँ जो नाविक हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कब से ये हालात है यहाँ? 4 रोज से है सर, 4 रोज से हमारे, 2 महीने से हम लोग परेशानी, 4 महीने से पानी जो है तबाह कर रहा है। कितना पानी होगा यहाँ पे? यहाँ अभी यहाँ पे बहुत पानी है, 15 फीट 20 फीट पानी रहता है।
जरा अपनी लगी डाल के दिखाइए कितना अंदर जाता है, ये कितना लंबा लगे पहले दिखाइए, इसके ऊपर दिखाइए, दिखाते हैं कितना बड़ा ये लगी है और जिससे कि नाव खेव रहे हैं ये, और इसको जब डालते हैं अंदर देखिए किस तरीके से पूरा ये अंदर चला जा रहा है, अभी के थोड़ा साइड चला है ना, जो है वो लगी अंदर चला जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो काफी विस्फोटक स्थिति है, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पे यहाँ मौजूद है उनको आपको निकाल कर लाया जा रहा है क्या अपने घर से? हाँ, चार रोज से हम लोग फंसे हैं, अभी नाव पर निकाल करके हम लोग को ले जा रहे हैं, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है हम लोग को। प्रशासन ने कोई व्यवस्था किया है क्या? नहीं, कहाँ किया है, हम लोग को कुछ नहीं, क्या अभी हम लोग को कुछ व्यवस्था नहीं हुआ है, कोई व्यवस्था से मर रहे हैं, चार लोग से लोग यहाँ मर रहे हैं ऐसा मानना है, और सीधे तौर पे लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन ने कोई व्यवस्था नहीं किया जिसकी वजह से इन लोगों ने खुद ही अब एक तरह से जिम्मा अपने हाथ में ले लिया स्थानीय लोगों ने, और लोगों को निकालने की कोशिश लगातार चल रही है, और जो नाव है वो देखिए कि जो पानी में किस तरीके से जो हालात हैं, ये लगातार इसी तरह के हालात पूरे सुपौल जिले की बात कर ले, मधुबनी की बात कर ले, दरभंगा की बात कर ले, सहरसा की बात कर ले, सीतामढ़ी की बात कर ले, तमाम ऐसे जिले, चंपारण के तमाम जिले, बेतिया, मोतिहारी, वाल्मीकि नगर, ऐसे तमाम जो क्षेत्र हैं वो जलमग्न हैं और जल प्रलय से जूझ रहे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया है यहाँ के लोगों के लिए कि वो मदद पा सके, या फिर जो दिक्कतें उनके सामने आ रही है उसके बारे में प्रशासन को बता सके, या फिर कोई अधिकारी भी अभी तक वहां पर नहीं पहुंचा है क्या? जी देखिए, बिल्कुल आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं कि जो प्रशासनिक दावे हैं वो फेल हैं पूरी तरह से, क्योंकि प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है, लोगों को सुरक्षित स्थान पर निकालने के लिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की मदद दी जा रही है, लेकिन जो हालात हैं उसको देखकर ऐसा लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसको उससे साफ स्पष्ट होता है कि अभी जो प्रशासनिक जो दावे हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के स्तर पे यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, कई इलाकों में हालात ऐसे ही हैं, क्योंकि जो क्षति हुई है वो बड़े पैमाने पर हुई है, व्यापक पैमाने पर हुई है, उस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए थे प्रशासनिक स्तर पर ताकि उतने बड़े पैमाने पर जो क्षति हुई है वो तमाम लोगों को निकाला जा सके। कुछ इलाकों में रेस्क्यू जरूर चलाए जा रहे हैं लेकिन वो नाकाफी है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है, लोगों को लगातार इसे दो चार होना पड़ रहा है। हम अपने कैमरामैन के जरिए कहेंगे थोड़ा वो कैमरा अपना पैन करें और दिखाएंगे किस तरीके का हालात है। देखिए लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा आप ये बताइए ये जो पूरा इलाका जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या ये पूरा इलाका ही प्रभावित है या फिर आसपास का कितना एरिया है जहां पर इस तरह के हालात बने हुए हैं? जी देखिए, सुपौल के करीब 40 से 50 फीसदी एरिया जो हैं वो प्रभावित हैं। सुपौल के परसा माधो पंचायत में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, मड़ौना की बात कर लें, सुपौल की बात करें, निर्मली की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जो कहीं ना कहीं बाढ़ के वजह से प्रभावित हैं और उसका असर तमाम तो आपको देखने को मिला है। किस तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई देंगी कि तमाम जो घर हैं वो डूब चुके हैं, मकान डूब चुके हैं, लोगों के खेत खलिहान डूब चुके हैं, लोग कैसे भी करके अपने जीवन को बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे जो स्थानीय यहाँ पे रिपोर्टर हैं उनसे भी बात करेंगे। रोहित, ये बताइए कि क्या ये सिचुएशन कब से चल रहा है, प्रशासन ने क्या कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह जो है यहाँ जारी किया है क्या? देखिए, जहाँ तक सिचुएशन की बात करें तो ये बीते 3 दिनों से यह भयावह स्थिति जो है सुपौल में देखने को मिल रहा है, और जहाँ तक सर आपने सवाल किया कोई नंबर की, तो नंबर जो है विभाग के द्वारा जारी किया गया है लेकिन देर से जारी किया गया, कहीं ना कहीं लोगों में यह सवाल भी पनप रहा है कि जब अगर विभाग को नंबर ही हेल्पलाइन नंबर ही जारी करना था तो उस समय रहते ही क्यों नहीं जारी किया, जब बाढ़ अवधि लगभग खत्म होने को है तब जो है प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया, कहीं ना कहीं। एक बात और है कि नेपाल में बारिश रुकी है जिसकी वजह से पानी जो है वो पानी का डिस्चार्ज कम हुआ है, जो वीरपुर बराज जिसको कि भीमनगर बराज भी कहते हैं वहाँ से पानी का डिस्चार्ज पिछले 8 घंटे में 3 लाख क्यूसेक से ज़्यादा नहीं हो पाया है, तो ऐसी परिस्थिति में हालात जो हैं वो कुछ कंट्रोल में हैं और लोगों ने अपने स्तर पे तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है या फिर जो रेस्क्यू का काम है वो अपने हाथों में ले रखा है, जहाँ पे प्रशासनिक पा रही है वहाँ पे लोग खुद अपने स्तर से प्रशासन का इंतजार न करते हुए खुद ही अपने स्तर से काम कर रहे हैं, लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम लोग से हम बात करेंगे इस पे, नाव पे एक और शख्स हैं उनसे ही बात करेंगे। जो चचा आप इधर जरा आइए, आपसे बात करना चाहेंगे, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कितने दिनों से ऐसे हालात देखने को मिल रहे हैं, जरा आगे आइए तो हम आपसे बात करें। देखिए सर्वेश, आप बातचीत करते रहिए इन लोगों से और वहां से आगे भी जो अपडेट्स होंगे आपके जरिए दर्शकों को बताते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया ये जानकारी तस्वीरें साझा करने के लिए।